इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपने ASXi सर्वर के इमेज को जो है अपडेट करते हैं, उसके अंदर जो है अपडेट्स डालते हैं, पैचेस डालते हैं और ड्राइवर्स वगैरह को हम इंक्लूड करते हैं। इस मकसद के लिए आप एक सॉफ्टवेयर है जिसको ASXi कस्टमाइज़र कहते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना ASXi का इमेज जो है वो भी VMware से डाउनलोड कर दीजिए। तो ASXi कस्टमाइज़र जो है आप गूगल में लिखें और इस पेज पर आ जाइए। यहाँ पर जो है ASXi कस्टमाइज़र और डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा जो है आपको जो है डेफिनेटली पैचेस जो है उनको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जो पैचेस या बंडल जो है आप जो डालना चाहते हैं। तो मैं डाउनलोड पैचेस पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे VMware के पेज पे ले जाएगा। इसमें मैं अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है सिक्योरिटी पैचेस या बंडल जो भी है वो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, मॉडरेट एक्सेट्रा सर्च करूँगा। और इसके लिए मुझे डेफिनेटली VMware का जो है अकाउंट चाहिए होगा, जो कि ऑलरेडी मैं रजिस्टर हुआ हूँ। और यहाँ से जो लेटेस्ट वर्जन है आपकी उसके मुताबिक आप उसको डाउनलोड कर लें, जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। और ये है वो फाइल। अच्छा, ASXi कस्टमाइज़र को डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसको राइट क्लिक करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, जो कि मैं कर चुका हूँ, और उसको आपने रन करना है। इसमें जो है आपने बताना है अपने करंट ASXi जो आपका इमेज है उसको सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपकी ISO है ASXi की, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। और उसके बाद जो जो कि अपडेट आपने डाउनलोड की है, जैसे कि मैंने ये अपडेट जो है डाउनलोड की है VMware की साइट से, उसको आप ब्राउज करके सेलेक्ट कर लें। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, .tgz हो सकता है, VIB फाइल हो सकती है और ऑफलाइन बंडल हो सकता है। मैं ऑफलाइन बंडल को सेलेक्ट करता हूँ और जो है ये अपडेट फाइल है जो कि मैंने डाउनलोड की थी VMware से, उसको सेलेक्ट किया है। और फिर जो है डेस्टिनेशन बता दें कि यहाँ पर जाकर आप जो है मतलब इन दोनों फाइलों को मिलाकर, मतलब ASXi की ISO को और इस अपडेटेड बंडल को मिलाकर एक ISO क्रिएट कर दो और उसको आप जो है माय डॉक्यूमेंट वगैरह में कहीं पर भी आप उसको जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट UEFI बूटेबल एक मतलब वो बना दो ISO और अनेबल ऑटोमेटिक अपडेट, हो कोई अपडेट वगैरह चेक करने के लिए। ओके करता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि अगर UEFI बायो मतलब आप ISO इमेज बना रहे हैं तो फ्यूचर में आप इसी इमेज को यूज़ करके इसके अंदर कुछ और जो है आप एडिटिंग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि मुझे फिर जो है सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों इमेज को मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा और इस चेकबॉक्स को अनचेक करके सिर्फ रन करना पड़ेगा। उसके बाद जो मुझे इमेज मिलेगा, फिर मैं जो फ्यूचर की ASXi होगी उसके साथ उसको मिला लूँगा, तो फिर जाकर अपडेट बनेगा। तो फिलहाल मुझे ये दोनों जो है अपडेट चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ इन दोनों की एक ISO फाइल चाहिए, तो मैं इसको ओके करता हूँ। ये प्रोसेस जो है रन हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये दो इमेज जो है ASXi इमेज और उसकी अपडेट जो फाइल है यहाँ पर इसमें कंबाइन हो जाएंगी और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने इसको आपस में मतलब ये करके ये फाइल जो है मतलब डू यू वॉन्ट टू ऐड VIB, VIB क्या होती है, VMware की अपडेट होती है, मतलब इन दोनों इमेज को जो है ये सेम है, क्या मैं इसको रिप्लेस कर दूँ? आप डिपेंड करेंगे कौन सा आंसर आपने देना है। ये काफ़ी काफ़ी सारा आपसे ये पूछेगा, काफ़ी टाइम आपने जो है ये जो इनको पढ़कर अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर ले, वरना नो दबा दें। इन दोनों की कम्बिनेशन जो है एक ISO फाइल क्रिएट हो चुकी है जो कि आप माई डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। इसके अलावा जो है लॉग फाइल्स है, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं उसको भी चेक कर सकते हैं, वरना ये फाइल जो है आप जो है फ्यूचर में अपनी ASXi सर्वर के इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लॉग फाइल को खोलने के बाद जो है आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इस तरह जो है हम अपने इन्वायरमेंट को जो है अपडेट करते हैं, ये अपनी ASXi सर्वर के इमेज को जो है ISO फाइल जो कि हम डाउनलोड करते हैं vSphere के लिए, उसको हम अपडेट करते हैं मुख्तलिफ बंडल के साथ।